मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इमेजिनरी नंबर में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी किए थे और आप खुद से बना करके देखेंगे कोई भी बुक से ऑब्जेक्टिव सवाल जो भी आता है और भी हम लोग उसमें सवाल अपलोड करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग और भी करेंगे, ठीक है ना। उसके आगे हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन को मैं अपलोड करूंगा जो आपको ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन बुक से ही क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ रहे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ रहे थे हम लोग, और उसमें हम लोग इमेजिनरी नंबर को देखें, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो दो नंबर से मिलकर बना होता है, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो रियल नंबर तो हम लोग जानते हैं, रियल नंबर क्या होता है, ए, और इमेजिनरी का मतलब i into b, ठीक है ना। i into b इमेजिनरी नंबर को भी आएगा, क्योंकि हम लोग देखे थे अगर जितना भी इमेजिनरी नंबर पढ़े थे सब इस फॉर्म में आ रहा था ना, जैसे -4 तो क्या मिला 2i, नहीं ऐसा था -2 तो क्या मिला, टू आई √2i ऐसा करके मिला। तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा, तो किसी भी नंबर ऐसा फॉर्म में अगर हो, इमेजिनरी नंबर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। क्योंकि आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, रियल नंबर तो मेरा 4 आ गया, इमेजिनरी नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जो रूट के अंदर नेगेटिव होता है, मान लो कि -9, समझिए यहाँ पे रियल नंबर के अंदर का 4 आएगा, क्योंकि हम लोग जितना नंबर भी पढ़ते लिखते हैं वो सारा रियल नंबर होता है, प्लस इमेजिनरी नंबर हम लोग किसको बोले थे, वीडियो को देखिएगा, इमेजिनरी नंबर किसको बोले थे, जो रूट के अंदर नेगेटिव होगा, नहीं। देखिए यहाँ पे 4 प्लस इसको लिख सकते हैं -1 into √9, लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ, 4 प्लस इसको हम लोग आई बोले थे, और 3 9 का स्क्वायर कितना का 3, माने 4 प्लस कितना आ गया 3i। आप देखिए ये जो नंबर आ गया ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तभी यहाँ पे लिखा हुआ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा रियल नंबर है, ये पार्ट क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग दो नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से हम लोग पढ़ लेते हैं। सपोज अगर इसी को हम लोग कर देंगे a+ib के फॉर्म में होगा, जहां देख सकते हैं कि वेयर a = 4 है, b बराबर कितना है 3 है, कोई दिक्कत है, ऐसे करके लिख दिए bi, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट रियल होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी। माने कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग उस नंबर को बोलेंगे अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को दोनों को संग्रह कर दें, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, देखिए एवरी नंबर, इसी में हम लोग देखेंगे कि एवरी नंबर, ठीक है, एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म a+ib, क्या है, a+ib वेर, जहां वेर a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब a और b कैसा रहेगा, वो रियल नंबर में रहेगा, जो भी रियल नंबर में रहेगा, a और b क्या रहेगा, रियल नंबर, एंड i = √-1, i किसके बराबर हो जाएगा, √-1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं बात समझना का, एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म दिस टाइप वेयर ए और बी जो रहेगा वो रियल नंबर में रहेगा, एंड i = √-1 इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड इज इक्वल टू a+ib, इसको किसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जेड, डिनोटेड बाय किसको करेंगे, जेड से, ठीक है ना, जेड से, जो कि कितना हो जाएगा a+ib, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स को डिनोट किससे करते हैं, जेड से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर इसमें लिखेंगे, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला कोई भी नंबर हो अगर इस फॉर्म में हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। सो डिनोट किससे करते हैं, जेड से, ठीक है ना, ठीक है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू पार्ट्स, माने जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो सबका क्या है, वो दो पार्ट्स है। पहला पार्ट्स क्या आएगा, विदाउट आई, दूसरा पार्ट होगा विथ आई। विदाउट आई का मतलब बिना आई वाले, बिना आई और ये आई के साथ, ठीक है ना। विदाउट आई का मतलब जिसमें आई नहीं रहेगा, और विथ आई का मतलब जिसमें आई होगा, माने जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें दो पार्ट्स होगा। मैं पहले बात किया था दो पार्ट्स, एक रियल नंबर दूसरा इमेजिनरी नंबर। ये दोनों पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, दोनों पार्ट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें है कि द पार्ट ऑफ, ध्यान देंगे, द पार्ट ऑफ विदाउट आई, इसी के नीचे लिखेंगे द पार्ट ऑफ विदाउट आई इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड, माने जो बिना आई वाला पार्ट है जिसके साथ आई नहीं है इज कॉल्ड रियल पार्ट, इज कॉल्ड रियल पार्ट। एंड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इट्स कॉल्ड रियल पार्ट, रियल पार्ट एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय रियल पार्ट एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। द पार्ट ऑफ विदाउट आई इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है ना, आर जेड। कहने का मतलब है मैंने जो विदाउट आई वाला पार्ट होगा इट्स कॉल्ड, उसको हम रियल पार्ट कहेंगे, एंड उस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे किससे, आर जेड से। मतलब रियल पार्ट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर जेड, आर का मतलब रियल, जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, आर जेड से, ठीक है ना, कैपिटल जेड, कैपिटल जेड। द पार्ट ऑफ, इसी में सेकेंड में आ जाएंगे हम लोग, द पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, पार्ट एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय इमेजिनरी जेड, आई एम जेड। डिनोट किसे करते हैं, इमेजिनरी जेड से, ठीक है ना। चाहे सिर्फ आई जेड भी लगा सकते हैं, आई एम जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आई एम जेड नहीं कहता चलो आई एम जेड नहीं। तो अभी हम लोग समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है, एक पार्ट बिना आई वाला होता है, एक पार्ट आई वाला होता है। आई वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, और बिना आई वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल पार्ट, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। इफ इफ z इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी, देन देन आर जेड, आर जेड का मतलब रियल पार्ट, रियल पार्ट कितना, ए, आई एम जेड, आई एम जेड का मतलब कितना हो जाएगा, सिर्फ बी, आई नहीं लिखेंगे रियल पार्ट में कभी भी, आई को रियल पार्ट में आई को कभी भी हम लोग नहीं ये करेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल दे देते हैं कि जेड बराबर फोर माइनस थ्री आई है, तो इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल जेड होगा, रियल पार्ट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, रियल पार्ट कितना हो जाएगा, फोर, एंड इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट
मेरी पार्ट की देखो माइनस थ्री ना कि आई, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चार है, मेरी पार्ट कितना हो जाएगा माइनस थ्री, मतलब आई का जो कॉफिशियंट होता है उसको लेते हैं आई का गुणांक, कॉफिशियंट का मतलब आई का गुणांक, आई का गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर लेंगे हम लोग, अगर सपोज जेड बराबर सिंपल आई है, जेड बराबर क्या सिंपल आई, तो इसका रियल पार्ट जीरो, देखिए जेड बराबर जीरो प्लस आई लिख सकते हैं, तो रियल जेड क्या हो जाएगा इसका जीरो, और इमेजिनरी जेड कितना हो जाएगा, इमेजिनरी जेड आई का कॉफिशियंट आई के साथ कितना वन, मैंने रियल पार्ट इसका जीरो हो गया, इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा वन, ठीक है।